हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं आपके लिए एक नहीं एक ही रेसिपी में दो तरह की रेसिपी लेके आई हूँ। यानी कि एक ही के अंदर आपको दो दो का टेस्ट मिलने वाला है और इतनी आसानी से इतनी इजी वे में बन जाएगी। आप भी चाहेंगे कि खाना कौन बनाए यार, इसको बना लेते हैं फटाफट से। और जब कभी जल्दी में हो और भूख भी लग रही हो, बच्चों को भी कुछ देना हो हमें नाश्ते में, तो इसे आप ज़रूर बनाएँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये सभी को बहुत पसंद आएगी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। और आप इस तरह से बनाएंगे तो इसे कोई छोड़ेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इस रेसिपी को हम बनाने के लिए कि ये कैसे बनाई, तो आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिकूट वैष्णवी किचन। आज मैं आपके लिए एक ही रेसिपी में दो तरह की रेसिपी कैसे बनाएं वो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूजी लिया है एक कटोरी और एक कटोरी बेसन लिया है। तो पहले सूजी का बनाते हैं। तो सूजी के अंदर मैंने आधी कटोरी छाछ ऐड करी है और छाछ नॉर्मल है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं है। और इसको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में देखिए थोड़ा मुझे इसमें छाछ कम लग रही है, तो हम इसके अंदर थोड़ी सी छाछ और ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर अच्छे से छाछ और डाल दी है। थोड़ी सी जो बची थी, यानी कि एक कटोरी छाछ ली थी मैंने, और वो जैसे ही पूरी मिक्स करी है तो मुझे बैटर ठीक लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इस बैटर के अंदर डालेंगे थोड़ा सा हम इनो पाउडर। तो मैंने यहाँ पर इनो पाउडर का यूज़ किया। अगर आप इनो पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो चौथाई चम्मच मैंने इनो पाउडर डाला है इसके अंदर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे नमक। चौथाई चम्मच ही मैंने नमक ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक ही तरफ चलाते हुए इस तरह से, और ये पूरी तरह से फ्लफी सा हो जाएगा। और उसके बाद में हम इसको डालेंगे एक जो हम साँचा लिया है मैंने उसके अंदर डालेंगे। आप किसी बर्तन में डाल सकते हैं, तो मैं बर्तन में डाल के दिखाती हूँ आज कि अगर साँचा नहीं हो तो किसी बर्तन में किस तरह से इसको बनाया जाए, है ना। तो इस तरह से मैंने इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। पूरी तरह से सूजी मिक्स हो चुकी है इसमें से। अब यहाँ मैंने एक छोटी वाली भगोनी ली है जिसके अंदर हम करेंगे ऑयलिंग। तो मैंने यहाँ एक छोटा चम्मच ऑयल का ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसको अच्छे से ऑयल को फैलाते हुए आप हाथ से या ब्रश से जैसे भी आपको ठीक लगे आप इस तरह से फैला करके इसको चारों तरफ ऑयल को लगा दीजिए इस बर्तन के, जैसे मैंने लगाया है देखिए। और इस तरह से लगाने के बाद में जो हमने सूजी का बैटर बनाया था उस बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो पूरा बैटर था मैं पूरा ही बैटर इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने एक कटोरी सूजी ली थी, क्वांटिटी मैंने आपको बता ही दी है। अब हम इसको अच्छे से फैला देंगे टैप करते हुए ताकि ये अच्छे से फैल जाए सूजी। और इस तरह से मैंने एक बर्तन में पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, पानी गर्म हो चुका है। उसमें मैंने एक रख दिया स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर हम रख देंगे ये वाली भगोनी जिसके अंदर हमने ये बैटर डाला है। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद में हम इसको चेक करेंगे, तब तक चलते हैं दूसरा बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक और बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने जो कटोरी मैदा रखी थी उस मैदा को इसके अंदर डाल दिया है। और सेम इसमें भी इसी तरह से करना है हमें कि इसके अंदर हमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा हमें इसके अंदर ऐड करना है। मैं इसमें थोड़ा कलर के लिए हल्दी पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें बिल्कुल चौथाई से भी कम चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च काट करके डाल दी है मैंने इसमें, थोड़ा सा तीखा हो जाएगा, एक चटपटा हो जाएगा। और थोड़ा सा इनो पाउडर जितना कि मैंने उस बैटर में डाला था उतना ही मैंने इस बैटर में भी ऐड कर दिया है। और इस तरह से इसको डालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा चटपटा कर रहे हैं। अब वही कटोरी छाछ की हम इसमें ऐड करेंगे जितने की हमने उसमें डाली थी, और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है इसी तरह से। आप चाहे तो बैटर को मिक्स करने के बाद में आप इनो पाउडर डाल सकते हैं, मैंने इसको साथ ही में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये पूरा बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। और ये भी तुरंत बन चुका है, इसको भी हमें फेंटने में इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। इस तरह से हमने कर दिया इसको रेडी। और एक बार हम जो सूजी वाला बैटर डाला था हमने भगोने के अंदर, तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। अगर वो बन चुका है तो फिर उसी बैटर के अंदर हमको इसको भी डालना पड़ेगा ना। तो चलिए उसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या वो सच में बन गया है। तो ये थोड़ा बन गया है, यानी कि आधा बन गया है और आधा नहीं बना है। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं नीचे एक बार, और इसके अंदर जो दूसरा हमने बेसन का बैटर बनाया था वो भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये खमन और ढोकला दोनों एक तरह से बन गए। एक तरफ आपको खमन का टेस्ट आएगा, दूसरी तरफ सूजी वाले ढोकले का टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये देखिए मैं इसके अंदर ये बैटर डाल रही हूँ, और ऊपर से आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इस तरह से लगा करके, या फिर कोई चटनी इस पर लगा करके आप इसको बना सकते हैं। मैं भी फ़िलहाल इसको सादा ही बना रही हूँ ताकि दोनों बहुत अच्छे से
सेट हो जाए। और 5 से 7 मिनट के लिए मैंने सूजी वाले पेस्ट को रखा था उसके अंदर। और अगर आपको बेसन का पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी छाछ और मिक्स करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको डाल दिया है इसके अंदर और इसको भी चारों तरफ फैलाते हुए हल्का सा टैप करते हुए हम इसको सेट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है, इसमें टैप कर दिया है और इसे हम वापस से उसी पानी के बर्तन में रख देंगे जिसको हमने बॉयल करने के लिए रख रखा है। और ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर सेट कर दिया है और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। अब वही 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसको भी समय देना पड़ेगा। तो इसको कवर करके रख देते हैं 5 से 7 मिनट के बाद, चेक कर लेते हैं हम एक बार फिर से। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी फूल चुका है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ टूथपिक लिया है, टूथपिक की सहायता से हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर अंदर से नहीं पका होगा तो इसके अंदर बेसन लग जाएगा। आप देख सकते हैं स्टिक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा स्टिक टूथपिक में, ये बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, यानी कि हमारा जो कमंड है, ढोकला है, वो पूरी तरह से बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं इस बर्तन में से। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से बन गया है, ऊपर से एक अच्छी सी लेयर आ चुकी है इसकी। अब हम इसको नाइफ से साइड से कट करके एक बार बर्तन से छुड़ा लेंगे। तो इस तरह से मैंने चक्कू लिया है और चक्कू की सहायता से मैंने इसको इस तरह से साइड से बर्तन की साइड से इसको छुड़ा लिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से आराम से निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बर्तन बहुत गर्म है अभी, तो आप थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करें और नॉर्मली इसको इस तरह से करें। अब दूसरा एक प्लेट ले लेंगे हम, उसके अंदर इसको उल्टा रख देंगे। उल्टा रखने के बाद में ऊपर से टैप करेंगे, साइड से टैप करेंगे, ताकि जो कमन ढोकला जो है वो बर्तन को छोड़ करके परात के अंदर या बर्तन के अंदर निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये ढोकला जो है निकल करके साइड में आ चुका है। और आपको एक बार दिखाती हूँ मैं, देखिए 2 लेयर्स इसकी बन चुकी है, एक तो सूजी वाली परत की और एक बेसन वाली परत की। तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये कमन ढोकला बनकर के रेडी हो गया है, 2 कलर वाला। एक ही रेसिपी के अंदर 2 का टेस्ट मिलने वाला है फ्रेंड्स आपको। तो चलिए इसको एक बार हम सीधा रख देते हैं और इसकी कटिंग्स भी कर लेते हैं। तो इसको पीसेस में कट कर लेते हैं हम इसको। मैंने इसको इस तरह से रख दिया है प्लेट के अंदर और नाइफ़ की सहायता से मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से कट करिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि अब आपको किस तरह की रेसिपी चाहिए। और इस तरह से हम इसको बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी पीसेस कट किए हैं, इस तरह से आराम से करिए। काफ़ी गर्म है तो मैंने इसको गर्म गर्म को ही कट कर लिया है। आप थोड़ा इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए और फिर कटिंग कर सकते हैं। तो अभी पहले मैंने इसको फ़िलहाल इसकी कटिंग कर दी है और इसके बाद हम इसके ऊपर तड़का भी लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप्स अगर छूट जाएगी तो टेस्ट में या फिर बनाने के तरीके में कुछ फ़र्क आ सकता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है बहुत ही अच्छे से। और फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पर आए, आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपका प्यार ही था जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इसी तरह से आप भी मुझे अपनी रेसिपीज़ के बारे में बताइए या फिर मुझे सजेस्ट करिए कि आप ये वाली रेसिपी बनाइए, बहुत टेस्टी होती है। तो मैं वो रेसिपी आपको बना करके ज़रूर दिखाऊंगी कि आपने जो बताया था कुछ अलग यूनिक हटके इस तरह की रेसिपीज़ जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस रेसिपी को ज़रूर बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी 2 लेयर वाली कमन ढोकला बन करके रेडी हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इन सभी को हम इस तरह से रख देते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको सभी पीसेस को, देखिए कितने अच्छे से दोनों की लेयर्स बनी हुई हैं, अलग अलग लेयर्स नज़र आ रही हैं आपको इसके अंदर। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लग रही है, तो टेस्ट में भी ये उतनी ही अच्छी है। अभी बाकी है लेकिन इसका कुछ काम, तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो आप एक बार देख लीजिए इसको कैसे जाली बन चुकी है, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। इसमें कमन के अंदर, ढोकले के अंदर पूरी जाली बन चुकी है, काफ़ी स्पॉन्जी हमारा जो कमन ढोकला बन के रेडी हो गया है। चलिए इसको तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा पैन लिया है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है 1 छोटा चम्मच और इसको गर्म कर लिया है मैंने। और गर्म होने के बाद में मैंने इसके अंदर तड़का लगाया है। थोड़ी सी मैंने इसमें ली है राई के दाने, क्योंकि राई के दाने के बिना तो खमन का टेस्ट ही नहीं आता है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़े से राई के दाने, यानी 1 छोटी चम्मच मैंने राई ऐड कर दी है इसके अंदर।
और जैसे ही ये राई तड़कने लग जाएगी तो हम इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे यानी कि हरी मिर्च, जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, और इसको भी थोड़ा सा पकने के बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते। तो करी पत्ते की इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें इसमें। और थोड़ा सा हम इसको तीखा और स्पाइसी भी बना लेते हैं, तो मैंने एक चम्मच तो इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि खट्टा मीठा खमण नहीं अच्छा लगता है। आधे छोटे चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है इसमें, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। वैसे हल्दी पाउडर की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। नमक हमने खमण में ऑलरेडी डाल ही रखा है, तो उसमें नमक हम ऐड नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा बॉयल होने तक पका लीजिए, जैसे ये बॉयल हो जाएगा इसको गैस के नीचे उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बॉयलिंग में आ रहा है और इसमें उबाली आने लग गई है, और ये हमारा जो है ऊपर से इसकी जो तड़का लगाने वाला था वो तड़का इसी तरह से लगेगा। अब आप देख सकते हैं बॉयल हो चुका है, तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर इसको डालने के लिए। और इस तरह से आप इसको इस खमण ढोकला के ऊपर डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार लगेगा। और इस तरह से यूनिक रेसिपी बनके आपकी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी सच में आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन मुझे इस बात का पता लगाने के लिए आपके कमेंट की ज़रूरत है कि सच में आपको ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं आई है। तो आपके कमेंट मुझे कंटिन्यू आते रहेंगे, तो मुझे काफ़ी हौसला भी मिलेगा इससे कि हाँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। तो आपका एक कमेंट मेरे हौसले को बहुत बढ़ाता है फ्रेंड्स, मुझे हौसला देता है कि ऐसी और रेसिपीज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा खमण ढोकला दो तरह का, एक ही के अंदर दो दो का टेस्ट हमें मिलने वाला है, और ये बन चुका है, रेडी हो चुका है। और इस रेसिपी को आप इसी तरह से सर्व करिए, तो आपसे आपके जो गेस्ट है वो भी पूछेंगे आखिर आपको आपने इसको दो तरह से कैसे बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन के रेडी हो चुका है, तो चलते हैं इसको एंजॉय करने के लिए। ये हमारा खमण ढोकला की रेसिपी है। साथ ही में आप चाहते हैं इसके साथ कोई चटनी बनाना, तो आप इसमें पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, या फिर हरी मिर्च या लहसुन की चटनी भी आप इसमें बनाकर सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंजॉय करिए इस रेसिपी को।